राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत ना थोड़ी ज़्यादा ही खराब नज़र आ रही है। एक तो राजस्थान में भाजपा है नहीं, उसकी सरकार है नहीं, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस जो स्कीम ला रही है वो जनता को पसंद आ रही है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के दावे किए जाते हैं, मगर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पता चल रहा है कि इनके रैलियों को भी शायद जनता नकार रही है। भाजपा की रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के एक स्थानीय पत्रकार ने जो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है दोस्तों, वो तस्वीरें चौंकाने वाली है, जो कि परिवर्तन रैली की ही तस्वीरें बताई जा रही है। उसी के मद्देनज़र एक रैली जो है वो रखी गई, लेकिन उसका क्या हाल है, उस पत्रकार ने अपने कैमरे में क्या तस्वीरें कैद की है, सब कुछ इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द VPN TV। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो एक स्थानीय पत्रकार का है जो कि राजस्थान का पत्रकार बताया जा रहा है। ट्वीट के जरिए जो दावा उन्होंने किया है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं नितिन अग्रवाल कि राजस्थान भाजपा की परिवर्तन रैली के नज़ारे देखिए, पंडाल खाली, कुर्सियां खाली, राजस्थान में भाजपा की खराब हालत बयां करने के लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। अब इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, बिना देर के वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए कि परिवर्तन रैली में कितने सारे लोग आए हैं दोस्तों, कि कुर्सियां खचाखच भरी हुई थी। ये वीडियो देखिए आप। चार ब्लॉक पूरी तरह से खाली पड़े, आप देख रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली है। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजस्थान के गोगा मेडी का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज चौथा चरण यहां पे शुरू होने हो रहा है। अब देख रहे हैं अधिकतर सीटें जो है खाली पड़ी हैं, भीड़ काफ़ी कम है। यही आलम जो कल अगर मैं कहूं तो रामदेव में देखने को मिला था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इतने बड़े डोम के अंदर भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी, जितने जोन बनाए गए हैं अधिकतर खाली हैं, आप देख सकते हैं। तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाया, हाईवे बनाया जी, तो कुर्सियों का हाल देखा ना आपने, कितनी सारी कुर्सियां भरी हुई थी, मतलब लोग ही लोग बैठे हुए थे, दूर दूर तक लोग ही तो दिखाई दे रहे थे। बेशक ये थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन हैरानी होती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो हर राज्य में बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, राजस्थान में आखिर उसको जनसमर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही, परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसको बड़े बड़े मंत्री आके, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आके प्रमोट करके जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी आए, इससे पहले और भी कई नेतागण आए, वो प्रमोट करके करते हुए जा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन का फ़ायदा क्या हो रहा है? आप उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। देखिए, इस वक्त अगर राजस्थान की बात की जाए, तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत कर रही है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन थोड़े समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो खटपट नज़र आई है, आपस के ही बड़े नेता जो लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके लड़ाई अब सामने पटल पर आ गई, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में क्या हाल होने वाला है। देखिए, किसी भी चुनाव के लिए आपको अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होना है, तो सबसे पहले तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बताना पड़ेगा। बेशक कांग्रेस की अगर बात की जाएगी, तो वहाँ पर भी दो दावेदार बताए जा रहे हैं, एक तो सचिन पायलट और दूसरे अशोक गहलोत। लेकिन राजस्थान भाजपा में हो ये रहा है कि एकलौती मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे हैं, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सिवाय नितिन गडकरी के, जो कि हाल ही में राजस्थान गए और उन्होंने एक तरीके से वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके दिखाया कि उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेगी, या मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चुनाव होने वाला है, वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर खड़ी रहेंगी। बाकी का कोई भी एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि राजस्थान भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाए। ऐसे में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। भाजपा को अगर जीतना है तो उसके लिए मजबूती चाहिए, लेकिन मजबूती कितनी है वो आप इन तमाम तस्वीरों से समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस जो है वो पुराने भी वायरल किए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई आपको वीडियो दिखा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप वहाँ पर गए थे क्या।
चलिए हम नहीं गए, लेकिन वो पत्रकार तो गया है वहां पर, जिसने वो वहां से स्थान पे जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की है, और वहां का स्थानीय पत्रकार उस जगह के बारे में बेहतर जानता है, लोग आए नहीं आए ये सब कुछ वो अपने कैमरे में दिखा रहा है, तो इसको झूठ तो खैर नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जो खबर है इसको झुठलाने वाले भी बहुत मिलेंगे और इसको सच मानने वाले भी बहुत मिलेंगे। दोस्तों, आप इन दोनों में से कौन हैं? आप इसको सच मानते हैं या फिर आपको भी लगता है कि ये दावा खोखला है, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा को राजस्थान में जन समर्थन मिल रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।